श्रीकाल माय ऑल डियर फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। मैं हूँ शिल्पा सूरी और मेरे चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है फ्रेंड्स। आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी हैवी हेयर ऑयलिंग के बारे में, तो इसीलिए आज की वीडियो को एंड तक जरूर देखिए। आज की वीडियो थोड़ी सी डिफरेंट होने वाली है, तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे, मेरी वीडियो हेल्पफुल लगे, तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट करके जरूर बताना कि आपको मेरी ये वीडियो कैसी लगी। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करती हैं। तो फ्रेंड्स, मैंने सुबह मॉर्निंग में ही अपना हेयर वॉश कर लिया था और अब मैं अपने बालों को कवर करके एक ब्रेड बना रही हूँ। ब्रेड बनाने के बाद मुझे अपने स्कैल्प पे ऑयल अप्लाई करना है एंड फिर मैं अपनी ब्रेड ओपन करूँगी एंड दोबारा मुझे अपने बालों पे अच्छी तरह से मसाज करनी है। ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने अपने बालों में इस तरह से अपने बालों को कवर कर लिया है। और अब मुझे अपने बालों पे ऑयल अप्लाई करना है। मैंने यहाँ पे पैराशूट हेयर ऑयल लिया है। सबसे पहले मैं अपनी स्कैल्प पर इसे डाल रही हूँ। अच्छी तरह से पूरी स्कैल्प पर मैंने ऑयल डाला है। और लेंथ पे भी मुझे ऑयल लगाना है। लेंथ पे भी मैंने ऑयल लगा लिया है और स्कैल्प पे भी अच्छी तरह से ऑयल लगा लिया है। अभी जस्ट मैंने ऑयल ही लगाया है, मसाज मैंने अभी बाद में करनी है अपने बालों पर। तो फ्रेंड्स, लुक एट द शाइन। और ऑयल डाला है मैंने अपने बालों पे। फ्रेंड्स, इन 10 डेज में मैंने आई थिंक 4 ऑयलिंग की वीडियोस बनाई हैं, 4 या 5। तो वैसे मैं जस्ट सैटरडे नाइट या आफ्टर 15 डेज ही ऑयलिंग करती हूँ। जितनी बार मैंने ऑयलिंग की है उतनी बार ही मैंने हेयर वॉश किया है पहले। और यहाँ पे मैंने अपने बालों को ओपन कर लिया है। और ओपन करने के बाद फिर मैंने और ऑयल डाला है एंड अब पार्टीशन कर करके ऑयल डाल रही हूँ। और अच्छी तरह से अपने बालों पे मसाज कर रही हूँ। बिल्कुल सॉफ्ट हैंड से आपको अपने बालों की मसाज करनी है, बहुत ज़ोर ज़ोर से मसाज नहीं करनी है। फ्रेंड्स, बालों पे ऑयल लगाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आई नो कुछ लोगों को ऑयल लगाना नहीं अच्छा लगता, आजकल की जो जनरेशन है उन्हें ऑयलिंग करना पसंद नहीं है। तो आप ऐसा कर सकते हैं कि सैटरडे नाइट या फिर आफ्टर 15 डेज अपने बालों पर ऑयल अप्लाई कर सकते हैं, या फिर आप रात को ऑयल लगाएं, उसे ओवरनाइट ऐसे ही छोड़ दें, सुबह अपना हेयर वॉश कर लीजिए। और अगर आप दिन में ऑयल अप्लाई कर रहे हैं तो 2-3 घंटे आप अपने बालों पर ऑयल लगा रहने दें और बाद में अपना हेयर वॉश कर लें। जो भी आप शैम्पू कंडीशनर यूज़ करते हैं वो कर लीजिए, उससे भी आपके बाल बहुत अच्छे रहेंगे। अच्छी तरह से मैंने यहाँ पे अपने बालों पे मसाज की है। ये देखिए फ्रेंड्स, लेंथ पे अच्छी तरह से मसाज की है मैंने अपने बालों में। कुछ इस तरह से ऑयल अप्लाई किया है। तो ऑयलिंग का प्रोसेस कंप्लीट हो गया है, ये देखिए। और अब मुझे अपने बालों में कॉम्बिंग करनी है और सारे टैंगल्स को रिमूव करना है। मेरे बालों में कुछ ज़्यादा टैंगल्स होते नहीं हैं, ईज़ली मेरे बालों में से सारे टैंगल्स रिमूव हो जाते हैं। कुछ इस तरह से आप अपने टैंगल्स को रिमूव कर सकते हैं। आपको ज़ोर ज़ोर से कॉम्बिंग नहीं करनी है, बिल्कुल धीरे धीरे से आपको अपने बालों में से टैंगल्स को रिमूव करना है।
और अब मैं अपने बालों को कवर करके एक पॉनीटेल बनाने लगी हूँ। मैं जब भी ऑयलिंग करती हूँ तो उसके बाद मैं ऐसे ही अपने बालों में एक हाई बन बना लेती हूँ और उसके बाद हेयर वॉश कर लेती हूँ। ये देखिए फ्रेंड्स, कुछ इस तरह से मैंने अपने बालों को कवर किया है। और इस तरह से मैंने एक हाई बन बना लिया है। मैं जब भी हेयर वॉश, जब भी मैं ऑयलिंग करती हूँ तो मैं ऐसे ही अपने बालों को कवर कर लेती हूँ। और अब मैं अपने बालों को ओपन कर रही हूँ। और अब मुझे ऐसे बालों में पार्टीशन करके ट्विन ब्रेडिंग करनी है। ये बहुत ज़्यादा फनी है, मुझे तो बहुत ज़्यादा फनी लगा क्योंकि मुझे ऐसे टू टेल्स बनाए काफ़ी ज़्यादा टाइम हो गया है। जब मैं स्कूल में थी तब मैं ऐसे टू टेल्स बनाती थी। फर्स्ट ऑफ ऑल तो मुझे बनानी ही नहीं आ रही थी। मैं अपनी बेटी सिमर के हेयर स्टाइल्स करती रहती हूँ, बट खुद ऐसे ट्विन ब्रेडिंग करना मुझे बहुत ज़्यादा मुश्किल लग रहा था, बहुत फनी लग रहा था। जब मैंने ट्विन ब्रेडिंग की तो मुझे अपनी ब्रेड्स इतनी ज़्यादा पतली स्लीक सी लग रही थी कि मुझे खुद बहुत फनी लग रहा था। जब मैं स्कूल में थी तब मेरी मदर मेरी ऐसे ट्विन ब्रेडिंग करते थे। और मैं जब प्लस टू क्लास में थी तब तक मेरे मदर मेरे बालों पे ऑयलिंग करते थे। उसके बाद कॉलेज में तो मैं मतलब ऑयलिंग करना मैंने बहुत कम कर दिया था। सैटरडे नाइट ही आफ्टर 1 वीक की मैं ऑयलिंग करती थी। तो आज अगर मेरे बाल कुछ हद तक अच्छे हैं, सुंदर है, तो उसका क्रेडिट मेरी मदर को ही जाता है। ये देखिए, इस साइड भी मैंने इसी तरह से ब्रेड बनानी है। फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ मेरी वीडियो को बहुत सारे लाइक देना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। जिन लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया उन्हें बहुत 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 थैंक यू, और जिन लोगों ने नहीं सब्सक्राइब किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरी वीडियोज़ को लाइक कीजिए और कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना कि आपको मेरी ये वीडियो कैसी लगी। तो ये देखिए, मैंने यहाँ पे ट्विन ब्रेडिंग कर ली है। तो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगे, हेल्पफुल लगे, तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना। मिलती हूँ मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू, बाय।